सर चैनल क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 8 है सिल्क रोड। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज कोरा? कोरा क्या है? मेडिटेशन परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स। जो लोग बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं वो एक तरह का मेडिटेशन, एक तरह की ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है कोरा। वेयर वॉज द प्रोटागोनिस्ट हेडिंग टूवर्ड्स इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर? वो कहां जा रहा था प्रोटागोनिस्ट हमारा? माउंट कैलाश जा रहा था। वॉट वॉज द स्काई लुकिंग लाइक ड्यू टू द सनरेज स्प्रेडिंग ऑन द माउंटेन टॉप्स? जो सूरज है, सॉरी, जो स्काई है, आकाश है, वो कैसा लग रहा था सनरेज की वजह से? बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और एकदम फ्रेश लग रहा था। वॉट डिड लामो गिव टू द प्रोटागोनिस्ट एज अ फेयरवेल गिफ्ट? एज अ फेयरवेल गिफ्ट क्या दिया था प्रोटागोनिस्ट को लामो ने? उसने दी थी एक लॉन्ग स्लीव शीप स्किन, है ना, भेड़ की खाल की बनी हुई एक जो कोट है वो दिया था। हु आर ड्रोकोबाज? जो ड्रोकोबाइज होते हैं वो हिल ट्राइब, वहां के जो ट्राइबल लोग हैं उनको कहते हैं। वाई डिड द ड्राइवर टेक अ शॉर्टकट टू द चंगटन चैंग टैंग कर लिया? उन्होंने शॉर्टकट क्यों लिया था? बिकॉज ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टूवर्ड माउंट कैलाश, क्योंकि उसको एक शॉर्टेस्ट रूट पता था। वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्यांग? क्यांग का मतलब क्या है? ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट, बहुत सारी धूल धक्कड़, जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है। वेयर डिड द प्रोटागोनिस्ट एनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस? जो प्रोटागोनिस्ट है उसको जो जंगली जो गधे हैं वो कहां पे दिखाई दिए थे? वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी, जहां पे जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा पथरीला हो गया था, पत्थरों वाला हो गया था। वॉट डिड द प्रोटागोनिस्ट नोटिस इन फ्रंट ऑफ द नोमेड स्टैंड? नोमेड स्टैंड के बाहर प्रोटागोनिस्ट ने क्या नोटिस किया था? बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग्स, जो बड़े बड़े काले काले तिब्बतन डॉग्स होते हैं वो। वॉट डिड द बिग तिब्बतन डॉग्स डू आफ्टर दे सॉ द अप्रोचिंग कार? जैसे ही वो कुत्ते आती हुई गाड़ी को देखते थे तो कुत्ते अक्सर क्या करते हैं? कार को पीछा करते हैं। दे रेन बिहाइंड एज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। वो इतनी तेज स्पीड से जैसे एक गोली निकलती है ना गन से, उस तरह से उसके पीछे भाग रहे थे। हाउ वर द तिब्बतन मास्टिफ्स फेमस इन चाइना रॉयल कोर्ट? जो ये वाले डॉग हैं तिब्बतन मास्टिफ, वो किस तरह से फेमस थे रॉयल कोर्ट में? एज हंटिंग डॉग्स, उनको हंटिंग डॉग्स के नाम से भी जाना जाता था, शिकारी कुत्ते। व्हेन डिड द प्रोटागोनिस्ट फील प्रेशर ऑन हिज ईयर्स? जो हमारे ऑथर हैं, प्रोटागोनिस्ट हैं चैप्टर के, उनको अपने कानों के ऊपर प्रेशर कब महसूस हुआ? व्हेन दे एंटर्ड द वैली अलोंग आईसी रिवर, जब वो वैली में पहुंचे आईसी रिवर के पास। व्हाई डिड द ड्राइवर स्टॉप द कार एट द शार्प टर्न? बिल्कुल शार्प टर्न लेके उसने कार रोक क्यों दी? क्योंकि उनके सामने क्या था? लॉन्ग ट्रैक ऑफ स्नो, उनके सामने केवल बर्फ ही बर्फ थी और बर्फ पे कार चलाना आसान नहीं था। वॉट वर द प्रोटागोनिस्ट डेनियल एंड सैटन डूइंग वेन दे सॉ द स्नो? जो प्रोटागोनिस्ट है डेनियल है और सैटन ने क्या किया जब उन्होंने स्नो को देखा? ठीक है, ट्राइंग टू मूव स्मूथली ओवर स्नोई सरफेस, उन्होंने धीरे धीरे से उस पर चलने की कोशिश की ये देखने के लिए कि आगे रास्ता ठीक है या नहीं है। एट वॉट सी लेवल वर द थ्री ऑफ देम वेन दे सॉ द स्नो ऑन द रोड? वो जमीन से कितना ऊपर पहुंच गए थे जब उन्होंने रोड देखी थी? 5,210 मीटर्स ऊपर थे। व्हेन डिड द प्रोटागोनिस्ट हैड स्टार्ट टू फील पल्सेटेड अगेन? मतलब दोबारा से उसके सिर में एक दर्द सा, एक अजीब सी चुभन सी कब होना शुरू हो गई थी? ठीक है, व्हेन ही वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन, जब वो माउंटेन की चढ़ाई कर रहा था। वेयर डिड दे स्टॉप टू हैव लंच एट 2 o'clock? 2 बजे के करीब वो लंच करने के लिए कहाँ रुके? एट अ लॉन्ग कैनवास टेंट, देख रहे हो ये टेंट लगा हुआ है, उसके बाहर ड्राई सॉल्ट लेक के पास वो लंच करने के लिए रुके थे। वॉट वॉज एन ओल्ड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर? का जो ओल्ड रूट था वो कैसा था? ईस्ट वेस्ट हाईवे पे था। वाई वॉज हॉर एन अगली एंड मिजरेबल प्लेस? हॉर को उन्होंने अगली प्लेस क्यों कहा है? क्योंकि वहां पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, प्लांट्स वगैरह नहीं थे। वॉट आर द नेम्स ऑफ 4 रिवर्स दैट लेक मानसरोवर कंसिस्ट? मानसरोवर में कौन कौन सी रिवर है? इंडस है, गंगा है, सतलुज है और ब्रह्मपुत्र है।
एट विच प्लेस डिड प्रोटागोनिस्ट वेट फॉर सैटर्न व्हाइल ही वॉज गॉन टू फिक्स अ पंचर टायर. जब गाड़ी के टायर में पंचर हो गया था तो प्रोटागोनिस्ट उसका कहां पे वेट कर रहा था? हॉर्स कैफे में. ठीक है, वहां पे कोई कैफे बना हुआ था तो उसने वहां पे चाय कॉफी पी होगी, वहां पे वो उसका वेट कर रहा था. व्हाट हैपेंड व्हेन दे रीच द डार्चेन एट नाइट टू स्टे एट द गेस्ट हाउस. गेस्ट हाउस में जब वो रुकने पहुंचे तो रात को क्या हुआ? रात को प्रोटागोनिस्ट वाजंट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी. वेयर डिड सैटर्न टेक द प्रोटागोनिस्ट टू सीक मेडिकल हेल्प. अब वो डॉक्टर को दिखाने या दवाई दिलवाने उसको कहां लेके गया था? डार्चेन मेडिकल कॉलेज में लेके गया था. What did the Tibetan doctor give him? तिब्बत का जो डॉक्टर था उसने क्या दिया था? 5 दिन की दवाई दी थी एक ब्राउन एनवेलप में. गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार एक लाइक कर देना. आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है. मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. 1, 2, 3. आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया. थैंक यू गाइज. Where did the man play a game of pool in Darchen every afternoon? जो लोग हैं वो पूल कहां पे खेलते थे डार्चेन में? ठीक है, वो खेलते थे नियर जनरल स्टोर इन ओपन एयर. ठीक है, जनरल स्टोर में खेलते थे, बिल्कुल खुली हवा में. Why was the protagonist facing communication problem in Darchen? उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? क्योंकि वहां के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी. Where did the protagonist meet Norbu? से वो कहां पे मिला था? Norbu से मिला था वो एक कैफे में. Where did Norbu work? Norbu कहां काम करता था? बीजिंग में, एक in the Chinese Academy of Social Sciences. Why did Norbu want to do Quora? वो Quora क्यों करना चाहता था? क्योंकि Norbu क्या लिख रहा था? एक पेपर लिख रहा था, academic paper on Kailash Quora पे. Did the two of them, जो protagonist और Norbu, क्या वो Quora करने गए? नहीं, नहीं जा पाए. Who gave warmer clothes to author? Author को गर्म कपड़े किसने दिए थे? आपको याद होगा लामो ने दिए थे, है ना, वो शीप की बनी हुई. Why Daniel declared author as Drogba? Daniel author को Drogba क्यों कहता है? Actually जब author वहां के लोगों के जैसे कपड़े पहन लेता है तो वो भी ऐसा लग रहा था जैसे वहां की ट्राइब का लोग पर्सन हो. Because he was looking typical nomad. वो भी nomad लग रहा था. ठीक है, जो तिब्बत रीजन में जो रहने वाले ट्राइब्स होते हैं उनके जैसे कपड़े के पहनने के बाद वो भी उनके जैसे ही लग रहा था. Who among them knew the shortcut for the Mount Kailash का शॉर्टकट किसको पता था? सैटर्न को पता था. Who is the standing guard किसको कहा गया? स्टैंडिंग गार्ड कहा गया इन डॉग्स को, जो जिनका नाम है तिब्बतन मास्टिफ्स. What happened when 15 meters of snow came in front of the car? जब 15 मीटर की जो स्नो है जब वो आ गई तब सैटर्न एंड डेनियल जंप क्विकली एंड स्टार्ट क्लीनिंग द स्नो. सैटर्न और डेनियल कार से उतरे और उन्होंने जो बर्फ थी उसको साफ करना, क्लियर करना शुरू कर दिया. व्हाट डिड द ऑथर कंज्यूम नियर ड्राई सॉल्ट लेक के पास? उसने क्या खाया था? उसने खाए थे नूडल्स. टिल वेयर डेनियल अकंपनी सैटर्न? डेनियल ने सैटर्न के साथ वो कहां तक आया था इन द कार? वो आया था उसके साथ होर तक. Why was the author relieved after meeting Norbu? Norbu से मिलने के बाद उसको रिलीव क्यों हुआ? एक तो भाई वो इंग्लिश बोल सकता था और दूसरा वो भी कहां पे जा रहा था? माउंट कैलाश. सो राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी. Whose idea was it to hire yak? Yak क्या होता है? इस तरह का एनिमल होता है जो बहुत सारा सामान उठा के ले जा सकता है. किसका आइडिया था कि सामान के लिए हम हायर कर लेते हैं याक्स को? Norbu का आइडिया था ये. Which of the following river does not originate near Mansarovar? कौन सी नदी यहां से ओरिजिनेट नहीं होती है? यमुना. Who was Ekai? Ekai कौन था? एक जापानीज मंक था. Where does the author spend his restless night? कहां पे author को ढंग से नींद भी नहीं आ पाई थी? डार्चेन में. What did narrator get from Darchen Medical College? उसने वहां से क्या लिया था? दवाइयां ली थी 5 दिन की. What was the religion of Norbu? Norbu का religion क्या था? वो एक बुद्धिस्ट था.
who was more concerned with his business rather than author's life? किसको अपने business की पढ़ी थी? Satan को. What was Gorilla Mandata? इसको ये होता है किसी भी mountain की peak, mountain की चोटी को बोलते हैं. Why were no pilgrims along with author on his way to Mount Kailash के लिए उसके साथ दूसरे pilgrims क्यों नहीं थे? क्योंकि author जो season होता उससे कुछ पहले ही पहुंच गया था, अभी उस season शुरू होने में time था. Saturn said goodbye to author and left for. Saturn ने goodbye कहा author को और कहां के लिए लौट गया? दोबारा से लहासा के लिए. इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में, देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगे. Where did the protagonist meet Norbu? जो protagonist है हमारे author, वो Norbu से कहां पे मिले थे? कैफे में, कोरा में, नोमेड्स में, गेस्ट हाउस में? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.